नमस्ते छात्रों, मैं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हमारे ये नए सेशन में का पहला लेक्चर है। जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको ME 209, जो हमारा सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, उसमें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें दो लैब की तरह से आ रहा है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ जो है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ लैब्स हैं, फिटिंग शॉप है, वेल्डिंग शॉप है, कारपेंट्री शॉप है, शीट मेटल है, प्लम्बिंग वर्क है, ये सारा वर्क आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। इस बार आपके जो है इसका कुछ आगे और एडवांस जो है वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि आपको पहले बताया, वर्कशॉप में जो आप पढ़ते हैं, तो वर्कशॉप में आपने पढ़ा है फिटिंग, कारपेंट्री या वेल्डिंग, जिसमें भी, जिसमें ज़्यादातर आपने जो काम किया है वो अपने हाथ से किया है, मशीनों की मदद नहीं ली है। और इस बार जो आपके जो सेकंड ईयर में जो आप इसको पढ़ोगे, उसमें मशीनों की मदद से वर्कशॉप में जो कोई भी जॉब है, कोई भी वर्क है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी है आता है किसी भी चीज़ को नापना, मापना। तो मापने के लिए, क्योंकि कोई भी काम होगा, कोई भी जॉब बनाएंगे, तो उसको एक बिल्कुल एक्यूरेट, एक प्रेसाइज साइज का बनाना बहुत जरूरी है। तो उसको बनाने के लिए हमारे को उस चीज़ को नापना आना चाहिए। और नापने के लिए जो अलग अलग कई ऑब्जेक्ट है, अलग अलग जो चीज़ है वो बनाने के लिए जो अलग अलग टेक्निक हैं, वो हमारे को जरूरी है। उसमें प्रेसिशन भी चाहिए, ये चाहिए। तो उसके बारे में हम जो डिटेल पूरी स्टडी पढ़ेंगे करेंगे वो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो हमारे पास जो इस साल जो हमारे को पढ़ाई करनी है वो है वर्कशॉप और मेट्रोलॉजी, ये दो पार्ट में हमारे को करनी है। तो इसका जो पहला भाग है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह से है कि जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आएगा कटिंग टूल्स और मटेरियल के बारे में आएगा। पहला तो आपका कि आप कोई भी चीज़ जब बनाओगे, कोई भी करना है तो उसको काटना होता है, जैसे कि कारपेंट्री में या फिटिंग में आपने किया था हाथ से, हेक्सा से या फाइल से, उसको मटेरियल को रिमूव करके और हमारे रिक्वायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट करते थे। अब उसी को हमारे को मशीन की हेल्प से करेंगे, तो मशीन की हेल्प से करेंगे तो उसमें भी काटने के लिए जो टूल्स हैं और जो मटेरियल काम में लेंगे, तो पहला हमारा जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो कटिंग टूल है वो किस तरह के होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा इसमें जो काम आने वाली अलग अलग तरह की जो मशीन्स हैं उनके बारे में। तो जिससे जो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल जो मशीन हम काम में लेते हैं वो है लेथ मशीन। तो लेथ मशीन जो हम काम में लेंगे वो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कितनी तरक्की होती है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे कोई जॉब बनाते हैं, ये सारा काम लेथ मशीन पे है। इसी तरह से और भी जो मशीन है जिसमें शेपर आती है, स्लोटर आती है, प्लेनर आती है, लेथ मशीन पे तो हम क्या जनरली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, शेपर, प्लेनर, स्लोटर में प्लेन सरफेस जनरेट करने के लिए काम आती है। तो इसमें इन मशीनों को कैसे ऑपरेट करेंगे, इन पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इन पे क्या क्या अटैचमेंट लगते हैं, क्या किस किस तरह के जॉब हम बना सकते हैं, इसके बारे में हम शेपर, स्लोटर, प्लेनर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से ड्रिलिंग मशीन जो है वो भी कई तरह की होती है, तो उन ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, कौन से टूल्स काम में लेते हैं, उन टूल्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन सब मशीनों में हमारे को एक कटिंग फ्लूड और कटिंग प्रोसेस के बारे में भी हम इसकी स्टडी करेंगे। कटिंग फ्लूड वो होता है कि जब हम कोई भी चीज काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा ड्रिलिंग करते हैं या कोई करते, तो वो पार्ट गर्म हो जाता है, तो उसको हमारे को ठंडा करना जरूरी है, और ठंडा करने के लिए जो फ्लूड या जो लिक्विड हम काम में लेते हैं उसको कटिंग फ्लूड बोलते हैं। तो कटिंग फ्लूड किस तरह के होते हैं, वो कैसे काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और काटने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस काम में लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरा हम क्या है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ज़्यादातर तो हम क्या है कि वर्कशॉप के अंदर ही इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जानते हैं कि अभी ये जो COVID-19 की जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में आप संस्था में आके और प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बताऊंगा, जैसे कि इन मशीनों पे किस तरह से काम होता है, किस तरह से इन मशीनों पर काम किया जा सकता है, इसके बारे में आपको उन वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। और जब भी ये संस्था खुलेगा और छात्र आएंगे तब आपको वास्तव में मशीनों पर भी किस तरह से काम होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसी सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है वो है मेट्रोलॉजी।
तो मेट्रोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला है कि कोई भी चीज नापते हैं तो उसको कुछ यूनिट और स्टैंडर्ड में नापते हैं, तो पहले आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि यूनिट्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है कि उसको मेजरमेंट कई तरह के होते हैं, जैसे एक लंबाई में या लीनियर मेजरमेंट करना है, कहीं एंगल नापना है तो वो एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। इसी तरह से सरफेस जो होती है वो कितनी स्मूथ या रफ है उसको नापने के लिए सरफेस मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से बिल्कुल माइन्यूट दो चीजों को नापने के लिए कंपेरेटर्स यूज में लेते हैं, जिनसे और ज्यादा प्रेसाइज हम नाप सकते हैं। इसी तरह से कोई भी जो साइज होती है तो हम क्या है एग्जैक्ट साइज की नहीं बना सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कोई भी जोक बनाया, तो वो क्या है कि हम बिल्कुल एक ही साइज का नहीं बना सकते। जैसे आपको जैसे कोई चीज बनानी है, माना कि उसकी डायमेंशन 20 मिलीमीटर है, तो आपसे क्या 20 मिलीमीटर बनाया, तो एग्जैक्ट 20 मिलीमीटर बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर बिल्कुल वही बनाने की कोशिश करेंगे, उसी क्वालिटी पे हम चलेंगे, तो उसमें मतलब ये होगा कि हमारे को बहुत ज्यादा मतलब मतलब कॉस्ट आएगी। जो काम करने वाला होगा वो स्किल्ड होना चाहिए, वेस्टेज बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक रेंज दे देते हैं कि एक लिमिट दे देते हैं। तो इसके कितनी लिमिट किसमें हम दे सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लिमिट फिट्स और टॉलरेंस में इसके बारे में। इसी तरह से जो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे गियर्स हैं, स्क्रू हैं, तो इनका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो मशीन टूल्स हैं, मशीन टूल का मतलब जो लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन, ये जो हम काम में लेंगे, तो उनको वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको नापने का जो तरीका आता है वो आता है मशीन टूल टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से हम इस पूरे साल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो आपको इसमें मैं बता दूं, जैसे कि फिटिंग में इस तरह से आपने बेंच पे वाइस पे काम किया होगा, ये जो ये बेंच वाइस जो है यहाँ लगी हुई है, इन पे आपने काम किया होगा फाइल और हेक्सा और इनकी मदद से, ठीक है। इसी तरह से कारपेंट्री शॉप में, कारपेंट्री में हाथ से काम किया होगा पिछली बार। इसी तरह से स्मिदी शॉप में, स्मिदी शॉप वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये शीट मेटल वर्क में आपने इस तरह के टूल्स काम में लिए होंगे। ब्लैक स्मिथी शॉप वैसे आपके कोर्स में नहीं है, हटा दी गई है, लेकिन इसमें हम किसी भी चीज को फोर्ज कर सकते हैं। और वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग का काम किया होगा, तो ये आपने पिछले साल ये सारे काम कर चुके हैं। अब आप जो पढ़ोगे, जिस तरह से ये लेथ मशीन का फोटो है, तो लेथ मशीन पर अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें जनरली एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर काम करने का होता है, ठीक है। इसी तरह से ड्रिल मशीन है, तो ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो उसमें आएगा, ड्रिल मशीन पे कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम इस बार पढ़ेंगे। गियर्स को किस तरह से नापना है, ये गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है, तो ये किस तरह से इसको नापते हैं इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। और जब आपका संस्थान खुल जाएगा तो कॉलेज में वास्तव में गियर पे कैसे नाप लेना है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। और इसी तरह से अलाइनमेंट टेस्ट जो है मशीनों का, जो मैंने मशीन टूल मेट्रोलॉजी जो है उस पर मशीनों का अलाइनमेंट टेस्ट है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। प्लानिंग मशीन ये इस तरह की होती है, तो प्लानिंग मशीन में किस तरह से वर्क को पे काम किया जाता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से ये रेसिप्रोकेट होती है, इसके पूरा वर्किंग मैकेनिज्म ये आपको पता है। इसी तरह से ये स्लॉटर मशीन है, जिसमें स्लॉट्स बनाए जाते हैं, स्प्लाइंस बनाए जाते हैं, तो ये इन पे किस तरह से काम किया जाता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस तरह से होता है इसका, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी तरह से टूल कटर है, तो टूल कटर तो आपके कोर्स में वैसे है नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि टूल्स को किस तरह से कट किया जाता है, उनकी डायमेंशंस कैसे, टूल ग्राइंडर है वो है, और ये है शेपर मशीन जो है, इस पे आपको काम कराया जाएगा। इस शेपर मशीन पे किस तरह से काम किया जाता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे क्या है, क्या क्या ऑपरेशन इस पे हो सकते हैं, कैसे इसकी स्ट्रोक लेंथ वगैरह चेंज की जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसी तरह से मेट्रोलॉजी में आपको बताया, जो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट तरह के काम आएंगे उसमें, जैसे स्प्रिट लेवल काम में आएंगे, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर ये काम में आएंगे, जैसे 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड आएंगे स्क्रू वगैरह के मेजरमेंट के लिए, थ्रेड मेजरमेंट के लिए। जो हमारा जो ये सिलेबस है वो इस तरह से है, ME 209 का, जैसे आप सब लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो आपके पास। तो इसमें हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो है कटिंग टूल और मटेरियल के बारे में, कटिंग टूल और मटेरियल किस तरह से कटिंग टूल होते हैं, क्या उनकी ज्योमेट्री होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसका पार्ट है मटेरियल कौन किस तरह का उनका टूल का होता है वो है। सेकंड चैप्टर है हमारा जो है वो लेथ मशीन का है, कि लेथ मशीन में
के किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी क्या डिफरेंट पार्ट्स है, ये पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से शेपर शेपिंग प्लानिंग और स्लोटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कटिंग फ्लूड और कूलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कूलिंग प्रोसेस क्या क्या है इसके बारे में उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा पार्ट इसका जो है वो है था मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में पहली यूनिट जो है हमारी वो है स्टैंडर्ड्स और यूनिट्स के बारे में। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती है, किस यूनिट में मेजर करते हैं, क्या प्रिसिशन होता है, क्या एक्यूरेसी होती है, इसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, किस तरह से करते हैं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा जो सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश वो किस तरह से होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद कंपैरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से इन सरफेस और इनको मेजर करने के लिए लाइट वेव इंटरफेरेंस जो फिजिक्स का एक मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो हमारे ये NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर है इसको की वर्किंग कैसे है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है गियर और स्क्रू मेजरमेंट किस तरह से होते हैं, तो इसके इसको करना। इसी तरह से लिमिट फिट और टॉलरेंस का मैंने जैसा बताया कि हम एग्जैक्ट साइज का नहीं बना सकते हैं, तो किस लिमिट में हमारे को बनाना है, या एक पार्ट दूसरे में फिट करेंगे तो उसकी कितनी रेंज तक, कितने टॉलरेंस तक हम उसको फिट कर सकते हैं वो है। और अंतिम चैप्टर जो हमारा होगा वो है मशीन टूल मेट्रोलॉजी के, मशीन टूल का अलाइनमेंट टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे करते हैं, लेथ और ड्रिलिंग मशीन का अलाइनमेंट और परफॉर्मेंस अलाइनमेंट टेस्ट आपको कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। जो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स की जरूरत होती है, तो वो बुक्स कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं, तो जनरली जो ये रेफरेंस बुक इनमें से आप काम में ले सकते हैं, जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हिंदी में है सेकंड वॉल्यूम बाय ताहिल मगनानी, इसी तरह से सेकंड वॉल्यूम बाय रघुवंशी जो कि हिंदी में है। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो हाजारा चौधरी का सेकंड वॉल्यूम है वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आरके जैन, इसमें आपको मेट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें काम डिटेल मिल जाएगा। ऑल अबाउट मशीन टूल्स, मशीन टूल का गर्लिंग जो एक फॉरेन ऑथर की बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको इसमें मिल सकता है। इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आरके जैन है, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आरसी गुप्ता है, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी ये हिंदी में आपको मित्तल की मिल जाएगी, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी हिंदी में भटनागर की मिल जाएगी, और इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आर के राजपूत ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ये सारी किताबें हैं, ये आपके कोर्स कवर के हिसाब से आपको एक तो मेट्रोलॉजी की बुक आपको कम से कम होनी चाहिए आपके पास, और एक वर्कशॉप की बुक होनी चाहिए जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के और इसके क्या क्या प्रोसेस है वो समझ पाएं और फिर आके उसको काम भी कर पाएं। तो इस तरह से आपको ये आपका इंट्रोडक्टरी एक तरह से ये लेक्चर था। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फर्स्ट लेक्चर से आपको शुरू करेंगे कि किस तरह से हम इन पे हमारे को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।